बैक टू माय चैनल श्वेता सोनी ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आज मैं खड़ी हूँ मेरी किचन में। कुछ महीनों पहले मैंने मेरी किचन टूर का वीडियो अपलोड किया था, जिसमें मुझे कई सारे कमेंट्स आए कि मैंने मेरी वॉशिंग मशीन और डिशवॉशर को स्लैब के नीचे कैसे इंस्टॉल किया है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे वही सब शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह से आप वॉशिंग मशीन और डिशवॉशर को स्लैब के नीचे ही इंस्टॉल कर सकते हैं और अपने किचन में कई सारी स्पेस सेव कर सकते हैं। प्लस ये बहुत ही ट्रेंडी लगता है। अगर आप कोई नई किचन बना रहे हैं तो उसमें पहले से ही डिशवॉशर और वॉशिंग मशीन के लिए प्रोविजन रख सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सारी चीजें बताती जाऊंगी कि किस तरह से इसे आप बहुत इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। जब मैंने वॉशिंग मशीन और डिशवॉशर परचेज करी थी तब ये यहाँ पर सेटल नहीं थे, बल्कि मेरे पास किचन का स्लैब भी नहीं था। ये किचन पूरा एम्प्टी था। मेरे माइंड में सेट था कि जब कभी भी मैं किचन में स्लैब वगैरह लगवाऊंगी तो उसी के नीचे मैं वॉशिंग मशीन और डिशवॉशर को सेट करवाऊंगी। इसलिए मैंने ऑलरेडी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रखी थी कि किस तरह से मुझे इसको इंस्टॉल करना है। उसके पहले मेरे किचन के कॉर्नर भी दोनों सेटल थे। सबसे पहली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वॉशिंग मशीन और डिशवॉशर को स्लैब के नीचे इंस्टॉल करने के, वो ये है कि इन दोनों को स्लैब के नीचे इंस्टॉल करने से स्लैब की हाइट बढ़ जाती है। हमारी इंडियन किचन में स्टैंडर्ड स्लैब हाइट 31, 32 या 33 इंचेस तक होती है। इससे ऊपर की हाइट के स्लैब्स नहीं बनते हैं, लेकिन मेरे स्लैब की हाइट 35 to 36 इंचेस है, जो कि यूरोपियन किचन में होती है क्योंकि वहाँ की लेडीज़ काफ़ी लंबी होती है। मुझे मेरे फर्नीचर वाले ने कई बार बोला कि मैडम इतना ऊंचा स्लैब लगवाओगे तो आप रोटी बनाते टाइम आपके शोल्डर्स में पेन होगा, आपको कंफर्टेबल नहीं लगेगा। बट आई वाज सो श्योर कि मुझे चाहे कोई भी परेशानी हो मैं पाटा लगा के काम कर लूंगी, पर मेरे को वॉशिंग मशीन और डिशवॉशर स्लैब के नीचे ही चाहिए। मैंने वो करवा लिया। अभी 2 साल से मैं किचन को यूज़ कर रही हूँ, ना मेरे कोई शोल्डर में पेन है, ना मेरे कोई बैक में पेन है, ना मुझे कोई अनइजीनेस फील होता है कि हाइट बहुत ज़्यादा होने की वजह से मेरे को कुकिंग में प्रॉब्लम आ रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है और ना ही मैं पाटा यूज़ करती हूँ खड़े रहने के लिए। आई एम वेरी मच कम्फर्टेबल। मेरी हाइट है 5'2", कोई ज़्यादा भी मेरी हाइट नहीं है कि जिसकी वजह से मुझे स्लैब की हाइट का जो अनइजीनेस है वो फील नहीं हुआ हो। 5'2 इज़ वेरी नॉर्मल हाइट, काफ़ी सारी लेडीज़ की हाइट होती है। मेरी हाइट की लेडीज़ को कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाली है इतने ऊँचे स्लैब से। दोनों मशीन को ऑन ऑफ करने का स्विच बोर्ड मैंने यहीं दे रखा है। चालू और बंद दोनों यहाँ से हो सकते हैं। ये चालू हो गई है तो मेरे को बहुत इजी रहता है, कंफर्टेबल रहता है। दोनों के स्विच बोर्ड्स यहीं पर हैं। मेरी वॉशिंग मशीन की हाइट है करीब 32-33 इंच और स्लैब की हाइट है करीब 35-36 इंच। मैं आपको बता देती हूँ, वॉशिंग मशीन है 33 इंचेस, तो आपको इतना प्रोविजन तो रखना होता है। प्लस इसके ऊपर 1 इंच की जगह छोड़े थोड़ी वेंटिलेशन के लिए। साइड्स में भी आपको 1-1 इंच की जगह छोड़नी होती है। दोनों की हाइट सेम है 33 इंचेस। इसके बाद आप आ जाता है 1 इंच का गैप जो वेंटिलेशन के लिए होता है, और उसके बाद आ जाता है आपका स्लैब। डिश वॉशर के बगल में मैंने ये बना रखा है छोटा सा शेल्फ, इसमें कुछ रखा हुआ नहीं है। ये मैंने बनाने का रीजन पर्पज ये था मेरा कि अगर मुझे वॉशिंग मशीन या डिश वॉशर बाहर निकालनी होगी तो मैं थोड़ा स्पेस साइड में होना चाहिए ताकि मैं उनको इस तरह से टेढ़ा करके निकाल लूँ। अगर डायरेक्ट यहाँ पे मार्बल होता तो इन्हें निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता, तो इस स्लैब मैंने ये जगह मैंने उसके लिए छोड़ रखी है। मैं वेस्ट नहीं करती, इसको भी मैं यूज करती हूँ। एक छोटा सा कंटर है, कभी बर्तन हाथ से कुछ धोने होते हैं तो वो रखने के लिए इस कंटर को मैं यहाँ पे सेट कर देती हूँ और इसको बंद कर देती हूँ, तो मेरी ये जगह भी यूज आ जाती है। तो चलिए देखते हैं डिश वॉशर और वॉशिंग मशीन का इनलेट और आउटलेट पाइप मैंने किस तरह से सेट किया है। वो दोनों ही इसके अंदर फिक्स है सिंक के नीचे वाले सेक्शन में। तो सिंक के नीचे का सेक्शन कुछ इस तरह से दिखता है। यहाँ पर मैंने डिटर्जेंट्स वगैरह सेट कर रखे हैं, अंदर टॉयलेट्रीज सेट है, ये डस्टबिन का एरिया है। और अंदर आप देख सकते हैं ये जो पाइप है ये सिंक का पाइप है जो वॉल में फिक्स कर रखा है। ये टैप लगवा रखा है जो वाटर इनलेट है वॉशिंग मशीन और डिशवॉशर दोनों के लिए। ये ब्लू वाला जो पाइप है ये वॉशिंग मशीन का इनलेट पाइप है, और ये वाला जो पाइप है ये डिशवॉशर का इनलेट पाइप है। और ये जो नीचे दो आपको ड्रेन पाइप दिख रहे हैं ये एक वॉशिंग मशीन का है और एक डिशवॉशर का है। दोनों ही यहाँ पर हमने एक ड्रेन बना रखा है, इसके अंदर फिक्स कर दिए हैं। ये मार्बल का पीस है जिसमें मैंने इस तरफ यहाँ पे होल कर दिया है ताकि यहाँ से सारे पाइप आना और जाना इजीली पास हो पाए। तो ये कुछ इस तरह से मेरे सिंक के नीचे का एरिया लगता है। बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती ना ड्रेन में ना इनलेट के लिए, आराम से आप इस तरह से सेट कर सकते हैं।
अब ये जो पास में छोटा सा एरिया है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं पाइप जा रहे हैं, दिख रहे होंगे आपको। हाँ, तो इस तरह से मैंने पाइप यहाँ से निकाल दिए हैं या होल करवा दिया मार्बल के अंदर, और इस तरह से डिश वॉशर के पीछे की तरफ हमने सॉकेट बना रखा है, उसमें ये चले जाते हैं। वॉशिंग मशीन और डिश वॉशर का मैंने आपको इनलेट पाइप बता दिया है, आउटलेट पाइप बता दिया है, स्विच बोर्ड कहाँ है वो भी बता दिया है। अब आप वंडर कर रहे होंगे कि इनका तार का कनेक्शन कहाँ है, तो वो तार का कनेक्शन वॉशिंग मशीन के पीछे ही है। पीछे स्विच बोर्ड दिया गया है जिसमें दोनों के तार कनेक्टेड है, वो हमेशा वहाँ पे लगे रहते हैं। ऑन ऑफ का बटन ऊपर वहाँ पे दिया हुआ है, जहाँ वहाँ से आप ऑन और ऑफ कर सकते हैं। वो मैं आपको स्विच बोर्ड बता नहीं पाऊंगी क्योंकि उसको दिखाने के लिए मुझे इन दोनों मशीन्स को बाहर निकालना पड़ेगा। मैं इन्हें सिर्फ दिवाली पे बाहर निकालती हूँ पीछे से क्लीनिंग करने के लिए, उसके अलावा यहाँ पर ये सेटल्ड रहती हैं। काफ़ी भारी है इसलिए मैं कर नहीं पाऊंगी। नॉर्मल सा सिंपल सा स्विच बोर्ड है, सिंपल सा स्विच बोर्ड है जो मैंने लगा रखा है, जिसमें तार लगता है, 3 पिन 2 पिन जो भी आता है वो वाला लगा हुआ है। बहुत जल्द मैं आप लोगों के साथ वॉशिंग मशीन क्लीनिंग पे वीडियो शेयर करने वाली हूँ, ज़रूर से उसे देखिएगा, वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर आप भी आपके किचन स्लैब के नीचे आपकी वॉशिंग मशीन और डिशवॉशर को इंस्टॉल करवाते हैं ये वीडियो देखने के बाद, तो ज़रूर से मेरे साथ उसकी फोटोग्राफ्स शेयर करिएगा इंस्टाग्राम पे, मेरा इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में एडेड है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहा होगा आप लोगों के लिए। अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी, बाय बाय। और हाँ, अगर किचन टूर का वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेक कर लीजिएगा।